स्वागत है आपका जी हिंदुस्तान की डिजिटल दुनिया में और मैं हूं आपके साथ अभिरंजन कुमार। पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। एनआईए की ओर से देश भर के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इस छापेमारी के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल इस संगठन को लेकर उठने लगे हैं। कोई यह जानना चाह रहा है कि इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो कोई ये जानना चाह रहा है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई है, तो वहीं कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इसकी शुरुआत किस साल से और क्यों हुई। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको इन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज जानेंगे इसका इतिहास कि पीएफआई की शुरुआत कब और कैसे हुई। साल 2006 में इस संगठन की नींव केरल में पड़ी। यहाँ तीन मुस्लिम संगठनों का आपस में विलय हुआ, जिसके बाद पीएफआई अस्तित्व में आया। इन तीनों संगठनों में राष्ट्रीय विकास मोर्चा, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु की मनिथा नीति पासरी थे। अपने 16 साल के इतिहास में पीएफआई दावा करता है कि देश भर के 23 राज्यों में उसकी इकाइयां हैं। संगठन इस बात का दावा करता है कि वह अल्पसंख्यक समुदायों, दलितों और समाज के अन्य कमजोर तबकों के लोगों को सशक्त बनाने का काम करता है। संगठन की ओर से इस बात का दावा भी किया जाता है कि उसे मध्य पूर्व के देशों से आर्थिक मदद मिलती है। शुरुआत के दिनों में इस संगठन का मुख्यालय कझीकोड में था, लेकिन जैसे जैसे देश भर में इसका विस्तार हुआ, इसका सेंट्रल ऑफिस दिल्ली में खोला गया। अगर बात करें इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम ई अबू बकर है। अलग अलग समय पर इस संगठन पर अलग अलग आरोप लगते रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग, लव जिहाद और तबलीगी जमात से लिंक शामिल हैं। इसके अलावा इस संगठन पर सांप्रदायिक दंगे भड़काने और नफरत फैलाने के अलावा राजनीतिक हत्याओं में शामिल होने का भी आरोप लग चुका है। ऐसा कहा जाता है कि जब देश में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिम्मी पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो इसके ज़्यादातर नेताओं ने पीएफआई का दामन थाम लिया था। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर देश भर में इसके फैलने के क्या कारण हैं। तो पीएफआई के बढ़ने का जो प्रमुख कारण है, वो है इसकी कट्टर विचारधारा। इसके काम करने का तरीका भी अन्य संगठनों से अलग है। मौजूदा वक्त में इस संगठन से 15 से भी अधिक मुस्लिम संगठन जुड़े हुए हैं, जिनके साथ मिलकर पीएफआई काम करता है। इस वक्त लाखों की संख्या में लोग इस संगठन से जुड़े हुए हैं और यही इस संगठन की ताकत है। पीएफआई का दावा है कि उसका प्रभाव 23 राज्यों में है। इस संगठन की संदिग्ध गतिविधियों के कारण इसे कई राज्यों में बैन करने की मांग अक्सर उठती रहती है। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और मुझे दें विदा। तब तक के लिए नमस्कार।